दोस्तों, अगर आप रिफर्बिश्ड या सेकेंड हैंड फ़ोन बाय करने के लिए जा रहे हो, तो फिर अगर आपने इस वीडियो में बताए गए 5 स्टेप को फुलफिल नहीं किया, उस स्टेप को फॉलो नहीं किया, तो शायद से बाद में आप बहुत ही ज़्यादा पछताने वाले हो उस स्मार्टफोन को बाय। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताया गया उस 5 स्टेप को आप फ़ोन बाय करने से पहले उस स्टेप को अगर आप फॉलो करते हो, देन आपको आपका एक सही स्मार्टफोन, आपके एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन आप ले सकते हो। सो दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो को फटाक से स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड। स्टेप नंबर 1, दोस्तों अगर आप जिस भी सेलर से ये फ़ोन खरीद रहे हो, अगर वो पॉसिबल है तो फिर आप उस बंदे से मिनिमम 1 आवर के लिए या 2 आवर के लिए उस फ़ोन को एनालाइज करने के लिए, यूज़ करने के लिए अपने पास लो। एंड सबसे पहले उस फ़ोन में आप नॉर्मल वर्क करो, लाइक आप उसमें वीडियोज़ देखो, आप उसमें म्यूज़िक सुनो, एंड आप देन उसके बाद आप उसमें हैबिक लोड दो, हैबिक काम करो, लाइक आप उसमें हाई ग्राफिक्स गेम खेलो, एंड देन आप लास्टली एनालाइज करो कि क्या कुछ है उस फ़ोन में, किस लाइक किस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रही है। स्टेप नंबर 2, दोस्तों सबसे पहले आप उस फ़ोन को जितना भी परसेंट उस फ़ोन में अभी चार्ज बाकी है उसे फुल्ली से ड्रेन करो। ड्रेन करने के बाद दोस्तों आप अपने चार्जर से या कोई सा भी चार्जर से उस फ़ोन को आप चार्ज में लगाओ। सबसे पहले आप चेकिंग करो कि वो फ़ोन प्रॉपरली चार्ज हो रही है या फिट नहीं, या कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही है। एंड सेकेंड, जब आपका फ़ोन वो फुल चार्ज हो जाए 100%, देन उसे चार्ज से बाहर निकालो, एंड देन उसको आप यूज़ करो एंड एनालाइज करो कि कितने देर में किस काम करने से आपका बैटरी ड्रेन हो रही है, एंड कितनी तेज या बिल्कुल सही ही आपकी बैटरी ड्रेन हो रही है, तो वो सब आप एनालाइज करो। स्टेप नंबर 3, दोस्तों आप उस फ़ोन के सभी पोर्ट्स को चेक करो, लाइक हेडफोन जैक, सिम कार्ड स्लॉट, एसडी कार्ड स्लॉट, सभी स्लॉट को आप प्रॉपरली से चेक करो। सबसे पहले आप हेडफोन जैक को चेक कर लो, उस फ़ोन में हेडफोन जैक में हेडफोन लगा के कि वो प्रॉपरली काम करे या फिर नहीं। एंड नेक्स्ट आप सिम स्लॉट के, उसके सिम स्लॉट में बारी बारी से पहले सिम 1 में आप सिम इंसर्ट करके प्रॉपरली से चेक कर लो कि उससे कॉल लग रही है, आ रही है, सब कुछ अच्छे प्रॉपरली से चेक कर लो। मैसेज टैप करके भी देख लो क्या उस फ़ोन में कोई प्रॉब्लम भी है या फिर नहीं, तो सेम आप फिर सिम सेकेंड में भी उसी तरह से चेक कर लो प्रॉपरली से, फिर आप उसे एनालाइज कर लो अपने अकॉर्डिंग के क्या कुछ प्रॉब्लम है, क्या वॉइस क्लियर आ रही है या फिर नहीं, या सिम एग्जिस्ट हो रही है, जो सारा चीज़ आप सारा फंडे को एनालाइज कर लो। स्टेप नंबर 4, दोस्तों अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन बाय कर रहे हो तो सबसे पहले ये चेक करो कि वो फ़ोन रूटेड है या फिर नहीं। सेम अगर आप iOS फ़ोन बाय कर रहे हो तो आप चेक करो कि वो फ़ोन जेल ब्रोकन है या फिर नहीं। तो आप पूछोगे ये रूटेड या जेल ब्रोकन होता क्या है, तो मैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं समझा के अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो दोस्तों, जो भी कंपनी का, जो भी ब्रांड का फ़ोन रहता है तो उस कंपनी का कुछ लिमिटेशंस बनाया जाता है उस फ़ोन को रिगार्डिंग। लाइक मैं एग्जांपल देके आपको बताऊं, तो जैसे आपका एक प्रोसेसर होता है, तो प्रोसेसर में आप देख रहते होंगे कि 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है ये स्पीड, या कुछ इसी तरह के कुछ और उसके स्पीड को क्लॉक्ड बताया जाता है। तो सिंपली से अगर उस फ़ोन को रूट करने के बाद आप सिंपली से उसे एक्सीड कर सकते हो, उस 2.2 गीगाहर्ट्ज़ को आप 4.2 गीगाहर्ट्ज़ तक ले जा सकते हो। बट दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है, वो चिपसेट पे। तो आपकी चिपसेट पे दोस्तों डायरेक्टली से ही बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ती है, उस कारण से आपका जो चिपसेट है वो ख़राब हो जाती है, एंड वो स्पीड को डाउन, एंड वो अपने प्रोसेसर को बहुत ही डाउन फ्लो कर देती है। सो दोस्तों, सेम वही चीज़ है वहाँ पे एंड्रॉयड में भी। सो दोस्तों, आप मैक्स फेयर कर लो सबसे पहले स्मार्टफोन लेने से पहले, क्या वो रूटेड है या फिर नहीं, क्या वो जेल ब्रोकन है या फिर नहीं। अब आप पूछोगे मैं इसे चेक कैसे करूँ, तो मैं यहाँ पे एंड्रॉयड वालों के लिए एक नीचे लिंक दे रहा हूँ ऐप को, सिंपली से आप उसे क्लिक करके प्ले स्टोर पर जाके उसे डाउनलोड कर लो, एंड सिंपली से वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। सेम अगर आप iOS ले रहे हो, एप्पल ले रहे हो, तो सेम आपको एप्पल के स्टोर में ही बहुत से ऐसे चेकर्स मिल जाएंगे जो आपको बता देंगे कि आप फ़ोन ये जेल ब्रोकन है या फिर नहीं। स्टेप नंबर 5, दोस्तों आप एक चीज़ और बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से मैक्स श्योर कर लो कि वो फ़ोन वाटर डैमेज है या फिर नहीं। तो कई बार होता है क्या कि बहुत से फ़ोन वाटर डैमेज हो जाते हैं एंड उसे रिपेयर करके आपको बेचा जाता है। सो दोस्तों, अब आप पूछोगे कि उसे चेक कैसे करें कि ये वाटर
डैमेज है या फिर नहीं। तो उसके लिए सिंपली से आप अपने फ़ोन को, अगर वो फ़ोन रिमूवेबल बैटरी है तो वहाँ पे आपको एक इंडिकेटर मिल जाएगी, बहुत से आप वीडियो चेक कर सकते हो यूट्यूब पे, इस तरह के बहुत से वीडियो आपको मिल जाएगी। एंड अगर वो रिमूवेबल बैटरी वाला फ़ोन नहीं है तो आप सिंपली से उस फ़ोन का जब म्यूज़िक बजाओगे तो सिंपली से वहाँ पे जो साउंड है उसका, उसका जो स्पीकर है बहुत ही अजीब सा एक आवाज़ निकाली, लाइक कुछ अजीब टाइप की वहाँ से आवाज़। एक बात और, अगर वो फ़ोन आप सेकेंड हैंड ले रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे आपको उस फोन में डेंटेज वगैरह, स्क्रैच वगैरह देखने को मिलेगी। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, अगर वहाँ पे माइनर सा डेंटेज एंड माइनर सा स्क्रैचेस वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप ऑब्वियसली वो फ़ोन विदाउट कोई प्रॉब्लम ले सकते हो। अगर वहीं पे कोई मेजर से डेंटेज एंड मेजर से स्क्रैचेस वगैरह देखने को मिल रहे हैं तो आप वो फ़ोन मत लेना, वो आपके परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट डालेगी। एंड हाँ दोस्तों, एक बार और आप ध्यान से आप उस फ़ोन का ओरिजिनल बॉक्स एंड ओरिजिनल बिल जरूर से ज़रूर लेना, बिकॉज दोस्तों आज के समय में बहुत से चोरी का फ़ोन जो सेकेंड हैंड बेचा जाता है एंड बोला जाता है कि मेरा बिल खो गया, मेरा बॉक्स खो गया। तो दोस्तों आप इस स्कैम में बिल्कुल से भी मत फंसना, अगर आपको वो ओरिजिनल बिल दे रहा है एंड ओरिजिनल बॉक्सेस दे रही है तो ऑफकोर्स आप उस फ़ोन को ले सकते हो। एंड दोस्तों यहाँ पे एक लास्ट स्टेप, प्राइसिंग। तो दोस्तों आपने फ़ोन को अच्छी तरह से एनालाइज कर लिया, देन आपको ये फ़ोन अच्छी लगी तो आप इस फ़ोन की किस तरह से, किस अकॉर्डिंग से आप इस फ़ोन के अच्छा प्राइस लगा सकते हो, आप उस फ़ोन का ज़्यादा पैसा पे ना करो, एक एग्जैक्ट पैसा, एक जो एक्चुअल वैल्यू है उस फ़ोन का वो आप कैसे पे करो। तो सिंपली से आप बहुत से यहाँ पे रिफर्बिश्ड फ़ोन, सेकेंड हैंड फ़ोन बेचने वाली कंपनियाँ लाइक टू गुड एंड उस तरह के बहुत से आपको कंपनियाँ मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप सिंपली से उस फ़ोन की प्राइसिंग चेक करो एंड देन आप डिसाइड करो। आपने ऑलरेडी से उस फ़ोन को एनालाइज कर लिया है, देन अपने अकॉर्डिंग क्या प्रॉब्लम है, क्या वो फ़ोन अच्छा है, तो उस हिसाब से उस फ़ोन की प्राइस आप रखो। सो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ज़रूर प्रेस कर देना, बिकॉज दोस्तों आपके एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।